तो हम अब जा रहे हैं नैनीताल की तरफ, और ये जंगल वाली रोड है, बहुत ही अमेजिंग रोड है। दोनों तरफ से पेड़, दोनों तरफ जंगल। घूमने जाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई नई जगह देखना, इंजॉय करना। बट आई थिंक डेस्टिनेशन तो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ जाके आप अनवाइंड करते हो, रिलैक्स करते हो। लेकिन ऐसी लोकेशन, ऐसा रास्ता, आई थिंक ये भी एक किस्सा होता है आपकी पूरे टूर का, आपके पूरे राइड का। हुआ ये कि हमने जाना था चुका बीच, और GPS की वजह से हम पहुँच गए दूसरी साइड, तो उस वजह से हम चुका बीच को मिस कर गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि अब वापस जाके पीलीभीत पर रुके, उससे अच्छा है कि हम आगे चलते हैं। और क्योंकि नैनीताल वहाँ से करीब अबाउट 130-135 किलोमीटर के आसपास था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम नैनीताल चलते हैं। जी, ये हमारा लंच ब्रेक है आफ्टर 400 किलोमीटर। भूख नहीं लग रही है हमें, हाँ, उसकी वजह से भी, लेकिन खाना भी अच्छा है, करारी रोटी। तो नीचे जो अब पूछ और कुछ चाहिए? सो हमें अभी नानक बुत्ता में खटीमा से जब हम चोर गली की तरफ जाते हैं और फिर काठ गोदाम जाएंगे और उसके बाद नैनीताल, तो हम करीब 400 किलोमीटर चल चुके हैं गाज़ियाबाद से। और ये हमारा पहला प्रॉपर ब्रेक है। जो हमने दो ब्रेक लिए वो तो 10-10 मिनट के थे, चाय के ब्रेक थे, लेकिन ये हमारा पहला प्रॉपर ब्रेक है। और इस वक्त टाइम हो गया है करीब 4:30। तो नानकपुत्ता में हमारे दो भाई मिले हैं। आपका नाम? कुलवंत सिंह। और आपका? हरवंत सिंह। तो कुलवंत सिंह, हरवंत सिंह जी हमें मिले जहाँ पे हमने खाना खाया, और ये इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तुम्हारा क्या नाम है? सुंदर सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? आदे। आदे? आदे। आदेश। आदेश, ठीक है जी। तो वीडियो में देखिएगा। अब हम सीधे जाएंगे नैनीताल। आज फॉग की वजह से हम कोई ब्रेक नहीं ले पाए थे, क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा था कि हमने सोचा कि बिना रुके चलते हैं, और हम काफ़ी देर तक चलते रहे। हमने दो छोटे छोटे ब्रेक लिए, टी ब्रेक्स लिए, और उसके बाद हम सीधा चुका बीच पहुँचे, जहाँ पे हम चुका बीच के दूसरी तरफ पहुँच गए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से हम नैनीताल चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी था। नैनीताल वहाँ से करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम नैनीताल चलते हैं। तो अब हम चलते हैं नैनीताल, और मौसम क्लियर हो चुका है, होपफुली रात को उतना फॉग नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि नैनीताल पहुँचते पहुँचते करीब 7 बज जाएगा, और हमारी कोई बुकिंग भी नहीं है। तो हम देखते हैं वहाँ पर जाके, हमें होटल भी देखना पड़ेगा। So let's see you in Nainital. भगवान की कैसे? ब्रेक मत मारना, ब्रेक मत मारना। निकल गई। निकल गया, निकल गया, निकल गया। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट गया। फिर मेरे तो बच गए, मेरे भी हो गए, अंदर पता नहीं लगा मेरे को। आज तो हमारे साथ फुल ऑन एडवेंचर हो गया। सुबह घर से निकले तो इतना फॉग कि कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद दूसरी साइड पे पहुंचे, वहाँ नहीं पहुंच पाए। उसके बाद नैनीताल का प्लान किया, तो नैनीताल के रास्ते में GPS ने हमें पता नहीं कहाँ लेकर आया है। कच्चे रास्ते, बिना रास्ते के रोड्स पे हमने चला के निकाली है, और अब शरीर इतना टूट चुका है कि अब बस नैनीताल जाएंगे और हम पड़ जाएंगे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग अभी उठे हैं, वरुण ने चाय पी ली है, मैंने अभी नहीं पी है, तो मैं तैयार होऊंगा। हम लोग फिर चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और मॉल रोड घूमने जाएंगे, थोड़ा सा मॉल रोड पे चक्कर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग वापस के लिए निकलेंगे। तो कैसा नज़ारा है बाहर, ये हमारे रूम से बाहर। तो जब हम नाइट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक दिन भर बाइक चलाते हैं, शाम को हम एक रूम में चेक इन कर लेते हैं और बस होप करते हैं कि व्यूज़ अच्छी होंगे। और नैनीताल आने का हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि नैनीताल कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, इट्स सो ब्यूटीफुल, और लेक के आसपास एटलीस्ट टेकिंग ए वॉक इज वेरी नाइस। तो चलते हैं वॉक।